आज हमारी रहेगी फिजिक्स की पहली क्लास, जिसके अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं लाइट वाला चैप्टर। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले बात आती है लाइट। देखो, सबसे पहले बात आती है लाइट की। लाइट हमारे पास होता क्या है? देखो, लाइट को हिंदी में हम बोलते हैं प्रकाश, जिसकी हेल्प से हम चीजों को देख सकते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? लाइट बोलते हैं। गुड इवनिंग संदीप कुमार, संजू रानी, सुमित जयपाल, गुड इवनिंग। देखो, चैप्टर की बात करते हैं। लाइट सबसे पहले तो होता क्या है? लाइट एक एनर्जी की फॉर्म होती है। लाइट हमारे पास क्या होती है? एक एनर्जी की फॉर्म होती है, जिसकी हेल्प से हम चीजों को देख सकते हैं। तो इसका एक बेस्ट एग्जांपल है सनलाइट। इसका हमारे पास एक एग्जांपल होता है सनलाइट। सनलाइट क्या होती है? सूरज की रोशनी। सूरज की रोशनी से हम क्या कर सकते हैं? देखो, काफी चीजें देख सकते हैं। हम एक दूसरे को देखते हैं, तो देखने का रीजन ही हमारे पास क्या होता है? बेसिकली सनलाइट ही होता है। तो सिंपल, लाइट क्या होती है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट अनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स, जो हमें चीजों को देखने में क्या करती है? हेल्प करती है। ये तो थी एक बेसिक सी लाइट की डेफिनेशन। अभी बात आती है सेकेंड चीज हमारे पास लाइट की। देखो, जैसे कि एग्जाम्पल है, बल्ब है। बल्ब हमारे पास क्या होता है? बल्ब को हम कौन सी एनर्जी देते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बल्ब को हम कौन सी एनर्जी देते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बल्ब इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब है हम इसको देते हैं बिजली। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में चेंज करता है? लाइट एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बल्ब किस में चेंज करता है? लाइट एनर्जी में और हीट एनर्जी में। देखो, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। हमारे सबके घरों में ट्यूबलाइट्स होती हैं, बल्ब होते हैं। तो क्या करते हैं ये? हम क्या देते हैं? ये सारी चीजें बिजली पे चलती होती हैं। तो बिजली पे चलते हैं, तो मतलब हम इसको कौन सी एनर्जी दे रहे हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं। जैसे ही हम बल्ब को क्या करते हैं? चालू करते हैं। चालू करने के बाद क्या होती है? यहाँ से रोशनी दिखती है हमें। तो रोशनी को ही हम क्या बोलते हैं? लाइट एनर्जी। और साथ में क्या होता है? जो बल्ब है वो गर्म हो जाता है। वो क्या हो जाता है? गर्म। गर्म होने का कारण हमारा क्या होता है कि उसमें से कौन सी एनर्जी निकलती है? हीट एनर्जी निकलती है। ये इसका कारण होता है कि एक जो बल्ब है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में चेंज कर देता है? लाइट एनर्जी में और हीट एनर्जी में। आपको इसमें इतना ध्यान रखना है, ठीक है? तो क्वेश्चन क्या बन सकता है कि व्हाट एनर्जी इज गिवन टू बल्ब? बल्ब को हम कौन सी एनर्जी देते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। या फिर बल्ब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में चेंज करता है? लाइट एनर्जी में भी और हीट एनर्जी में भी। तो देखो, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आप लोगों ने सबने स्कूल में वो बनाए होंगे, सर्किट बोर्ड बनाए होंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट जिसको बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता था? हम यहाँ पे सेल या बैटरी लगाते होते थे। सेल या बैटरी की हेल्प से यहाँ पर एक बल्ब लगाते होते थे, ऐसा सा। ये हमारा क्या होता था? सर्किट होता था। यहाँ पर क्या होता था? एक बल्ब होता था। ये क्या करता था? बल्ब ग्लो करता था। तो आप इसको कभी भी हाथ लगा के देखना, ये गर्म होता है। ये बल्ब क्या होता है? गर्म। तो इसके गर्म होने का मेन कारण ही क्या है कि हम इसको कौन सी एनर्जी देते रहे? देखो, अब यहाँ पे जो एनर्जी प्रोवाइड करते थे वो सेल या बैटरी प्रोवाइड करते थे। यहाँ पर जो एनर्जी थी वो कौन प्रोवाइड करता था? सेल या बैटरी। तो इसका कारण यही है कि जो बल्ब था, एक तो ये ग्लो हो जाता था। ग्लो करने की वजह से ही हमें कौन सी एनर्जी दे रहा था? लाइट एनर्जी। और गर्म हो रहा था तो ये कौन सी एनर्जी दे रहा था? हीट एनर्जी। एक तो इसका ये एग्जाम्पल है। समझ आ गई इतनी बात? इसके बाद एक चीज और होती है, जो प्लांट्स होते हैं। प्लांट्स का मतलब हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं, ये कौन सी एनर्जी को यूज करते हैं? प्लांट्स क्या करते हैं? सनलाइट को यूज करते होते हैं अपना खाना बनाने में।
प्लांट्स क्या करते हैं, सनलाइट को यूज करते हैं क्या बनाने में अपना खाना। सनलाइट की हेल्प से प्लांट्स अपना क्या बनाते होते हैं, खाना बनाते होते हैं। ठीक है, तो सनलाइट तो हमारे पास कौन सी एनर्जी होगी, लाइट एनर्जी, सूरज की रोशनी है, तो ये कौन सी एनर्जी होगी, लाइट एनर्जी। तो प्लांट्स हैं वो लाइट एनर्जी को किस में चेंज करते हैं, केमिकल एनर्जी में। जो प्लांट्स हैं वो सूरज की रोशनी को किस में चेंज करते हैं, केमिकल एनर्जी में। इसमें इतनी चीज ध्यान रखनी है कि जो प्लांट है वो सनलाइट को यूज करते हैं, सूरज की रोशनी को यूज करते हैं खाना बनाने में, और सूरज की रोशनी वही हमारे पास लाइट एनर्जी होगी। तो इस बार लाइट एनर्जी किस में चेंज हो जाती है, केमिकल एनर्जी में, जिसकी हेल्प से जो प्लांट्स का क्या बन जाता होता है, खाना बन जाता होता है। ठीक है इतनी बात। और खाने के प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, जो प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं इस प्रोसेस को बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, अगर आपने डेफिनेशन लिखनी है, द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर फूड, वो प्रोसेस जिससे प्लांट्स अपना क्या बनाते हैं, खाना बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इसके बाद बात आती है लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, देखो लाइट की जो पहली प्रॉपर्टी होती है, वेरी गुड इवनिंग सतीश सामा। तो देखो लाइट की हमारे पास पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, सबसे पहले तो ये एक एनर्जी की फॉर्म होती है, सबसे पहले ये क्या होती है, एनर्जी की फॉर्म, जिसकी हेल्प से हम चीजों को देख सकते हैं, जिसकी हेल्प से हम चीजों को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो लाइट की ये होती है। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास लाइट की क्या होती है, जो लाइट होती है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। जो लाइट होती है ये हमारे पास कैसी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। लाइट हमारे पास होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या मतलब होता है कि इसको कोई भी मटेरियल नहीं चाहिए, ये कहीं से भी पास हो सकती है। लाइट को कोई भी मटेरियल नहीं चाहिए, ये कहीं से भी क्या हो जाती है, पास हो जाती है आराम से, कोई भी जगह से ये क्रॉस कर सकती है। आप इसको वैक्यूम में रख दो, आप इसको कोई और मीडियम में रख दो, चाहे डेंसर में चाहे रेयरर में, ये हर जगह से क्या हो जाती है, पास हो जाती है लाइट। ठीक है, एक थर्ड प्रॉपर्टी होती है लाइट का, कैसा नेचर होता है, ड्यूअल नेचर। लाइट का हमारे पास कैसा नेचर होता है, ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर का क्या मतलब होता है कि लाइट होती है, राजू कुमार गुड इवनिंग, ड्यूअल नेचर का क्या मतलब होता है कि जो लाइट होती है वो हमारे पास एक तो फोटोन की फॉर्म में होती है, लाइट हमारे पास किसकी फॉर्म में होती है, फोटोन की फॉर्म में, और सेकंड हमारे पास जो लाइट होती है वो वेव की फॉर्म में होती है। वेव का मतलब तो यही हो गया कि जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह क्या करती है, बिहेव करती है। अभी ये समझना फोटोन क्या होता है, देखो फोटोन क्या होता है हमारे पास, देखो फोटोन कुछ नहीं है, जो लाइट होती है ये क्या होती है, एक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होती है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। फोटोन हमारे पास क्या होता है, पैकेट ऑफ एनर्जी, जिसके अंदर जो लाइट एनर्जी है वो स्टोर होती है, इसी पैकेट को हम क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। और ये मेनली आपको प्लांट्स में मिलते हैं फोटोन्स। ठीक, ये तो था बिल्कुल बेसिक सा। अभी बात आती है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइट की स्पीड। लाइट की स्पीड कितनी होती है, लाइट की स्पीड कोई कमेंट करके बता सकता है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट, कोई भी एक बच्चा कमेंट करके बताए।
देखो लाइट की स्पीड हमारे पास होती है 3 × 10^8 m/s। ये हमारे पास क्या होती है, लाइट की स्पीड 3 × 10^8 m/s। ठीक है, और जो लाइट है ये क्या करती है, ये जो इसकी स्पीड होती है ये एयर में भी होती है और साथ में ये वैक्यूम में भी होती है, एयर और वैक्यूम दोनों में होती है। देखो एयर तो क्या है, जिसमें हम सांस लेते होते हैं, ये तो सारा अपना जितना भी हमारे पास एनवायरनमेंट है ये सारा हमारे पास क्या होता है, एयर होता है। वैक्यूम क्या होता है, जिसके अंदर हवा नहीं होती। इसके अंदर क्या होता है, वैक्यूम में हवा नहीं होती, हवा हवा नहीं होती। अभी देखो वहां पर हवा नहीं होती तो हम ह्यूमन, हम इंसान वहां पे सांस नहीं ले सकते, पर लाइट तो यहां से पास कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है लाइट को पास करने में, हवा नहीं होती क्या दिक्कत है, लाइट तो आराम से पास कर सकती है इसमें। ठीक है, ये तो थी स्पीड ऑफ लाइट। अभी एक मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, सनलाइट को अर्थ पे आने में कितना टाइम लगता है। सनलाइट जब अर्थ पे आती है, सूरज की रोशनी जब धरती पर आती है, उसको कितना टाइम लगता है, बता सकते कोई। सनलाइट को अर्थ पे आने में कितना टाइम लगता है, भावना विष्णु बता सकते हैं कितना टाइम लगेगा। देखो जो सूरज की रोशनी होती है, देखो ये हमारे पास क्या होता है, ये सूरज है, ये सूरज की रोशनी कैसी आती है, ये धरती पे आती है, इसको टाइम कितना लगता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नोट बना के लिख लेना। इसको टाइम लगता है 8 मिनट 19 सेकंड। इसको कितना टाइम लगता है सूरज की रोशनी को धरती पे आने में, 8 मिनट 19 सेकंड, या फिर आप इसको 499 सेकंड भी कह सकते हो, 499 सेकंड। सूरज की रोशनी को धरती पे आने में कितना टाइम लगता है, 8 मिनट और 19 सेकंड, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, एक क्वेश्चन और बनता है इसमें, ये तो था कि सूरज की रोशनी को धरती पे आने में कितना टाइम लगता है। इसके बाद बात आती है कि अगर जो लाइट है, जो हमारे पास लाइट रे है, वो मून से रिफ्लेक्ट होके आती है, वो किससे रिफ्लेक्ट होके आती है, मून से रिफ्लेक्ट होके, मून से रिफ्लेक्ट होकर, तब इसको कितना टाइम लगेगा अर्थ पे आने में। अगर वो मून से रिफ्लेक्ट होके आती है तो उसको टाइम लगता है 1 मिनट और 28 सेकंड। उसको कितना टाइम लगता है, 1 मिनट और 28 सेकंड, ध्यान रखना ये, कि अगर लाइट है वो सन से रिफ्लेक्ट होके आती है, सन से रिफ्लेक्ट होने में उसको लगते हैं 8 मिनट और 19 सेकंड, और अगर मून से रिफ्लेक्ट होके आ रही है तो उसको अर्थ पे आने में टाइम लगता है 1 मिनट 28 सेकंड। सुमन जयपाल, 8 मिनट 20 सेकंड नहीं है, अगर आप पूरा पूरा अप्रोक्सीमेट करोगे 8 मिनट 19 सेकंड है, 499 सेकंड बनते हैं। अगर आप बिल्कुल एग्जैक्ट जाना चाहते हो, 8 मिनट 19 सेकंड है, 20 सेकंड राउंड ऑफ करके आप कह सकते हो। ठीक है, इतनी बात, ये तो थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं और बहुत इजी हैं। इसके बाद नहीं, इसमें सन के टेम्परेचर कोई मतलब नहीं है, बस सन की लाइट सीधा अर्थ पे आ रही है। राजू कुमार, सूरज के तापमान का इसमें कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, बस वो रोशनी आती है सीधी। ठीक है, इसके बाद एक चीज देखना, हमारे पास दो तीन बातें आती हैं, एक हमारे पास चीजें होती हैं लुमिनियस, एक हमारे पास चीजें होती हैं लुमिनियस और एक हमारे पास चीजें होती हैं नॉन लुमिनियस। ठीक है, लुमिनियस और नॉन लुमिनियस में क्या फर्क है, अभी ये देखना। देखो लुमिनियस चीजें हमारे पास क्या होती हैं, जिनके पास खुद की लाइट होती है, जिनके पास लाइट होती है खुद की, जिनके पास खुद की लाइट होती है। ठीक है,
एग्जाम्पल देखो, जैसे सन, सूरज है, जो सूरज के पास खुद की लाइट है, कहीं से नहीं लेता। इसके बाद स्टार, तारे जो होते हैं आसमान में, उनके पास भी सबके पास खुद की लाइट होती है, ठीक है। और एक इसका एग्जाम्पल लिख सकते हो आप बल्ब। बल्ब क्या होते हैं, जो हमारे घरों में एलईडी बल्ब्स होते हैं, ट्यूबलाइट्स होती हैं, सबके पास खुद की रोशनी होती है, इनको किसी दूसरे से जरूरत नहीं पड़ती। तो ये हमारे पास कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लुमिनियस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद बात आती है नॉन लुमिनियस की, बिल्कुल इसका उल्टा। नॉन लुमिनियस क्या आते हैं, इनके पास लाइट नहीं होती खुद की, इनके पास लाइट नहीं होती। ये क्या करते हैं, ये दूसरे से लाइट लेके चमकते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो प्लैनेट्स, प्लैनेट्स, और एक लिख सकते हो इसमें मून, ठीक है। प्लैनेट है जैसे अपना भारत वाल्मीकि, गुड इवनिंग। देखो प्लैनेट्स हमारे पास क्या होते हैं, जिस पे आप रह रहे हैं, अपना धरती है, वीनस, मरकरी, जितने भी सारे प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट के पास खुद की लाइट नहीं होती। ये क्या करते हैं, ये सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। मून है, मून के पास भी खुद की लाइट नहीं होती, मून भी क्या करता है, सन की लाइट से चमकता है, ये रिफ्लेक्ट करता है उनकी लाइट को। तो लुमिनियस और नॉन लुमिनियस में क्या फर्क है, लुमिनियस वो होते हैं जिनके पास खुद की लाइट होती है, एग्जाम्पल जैसे सन, स्टार या बल्ब। नॉन लुमिनियस क्या होते हैं, जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती, ये दूसरे की लाइट से चमकते हैं, वो हमारे पास होते हैं नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इसके बाद देखो जो मटेरियल्स हैं, वो तीन तरीके से क्लासिफाइड किए हुए हैं हमने। हमारे पास जितने भी तरह के मटेरियल्स होते हैं, वो हमने तीन पार्ट्स में बांटे हुए हैं। सबसे पहला होता है ट्रांसपेरेंट मटेरियल, या ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ट्रांसपेरेंट का सिंपल सा मतलब है पारदर्शी, जिनके हम आर पार देख सकते हैं। ट्रांसपेरेंट हमारे पास क्या होता है, जिसके हम आर पार देख सकते होते हैं। जैसे देखो कोई आपका वो प्लास्टिक का, जैसे लेमिनेशन पेपर होता है, जैसे लेमिनेशन पेपर, लेमिनेशन पेपर क्या होता है, जो आपका कॉपियों पे चढ़ाते हैं कवर करने के लिए, तो उसको आप किसी पर्सन के सामने रखते हो, उससे हम आर पार देख सकते हैं आराम से। आपने मान लो अपने आगे लेमिनेशन पेपर रखा है, तो उससे आप सामने वाली चीज को देख सकते हो। सामने कोई आपके पर्सन बैठा है, कोई चीज है, हम इजीली उसके आर पार देख सकते हैं, ठीक है। वो हमारे पास क्या होता है, ट्रांसपेरेंट मटीरियल या ट्रांसपेरेंट मीडियम, बहुत सिंपल सी भाषा में, जिसके हम आर पार देख सकते हैं, वो हमारे पास होती है ट्रांसपेरेंट चीजें, ठीक है। ट्रांसपेरेंट के बाद हमारे पास बात आती है ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसपेरेंट के बाद क्या आता है, ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट का क्या मतलब होता है, हम इसके आर पार देख सकते हैं पर पूरे तरीके से नहीं देख सकते, धुंधला देख सकते हैं हम, ठीक है। जैसे अपने घरों में क्या होती है, खिड़कियां बनी होती हैं, तो खिड़कियों के आर पार हमें ये पता चल जाएगा कि सामने कोई है, पर पूरे तरीके से हम नहीं देख पाएंगे कि कौन है। वो हमारे पास कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं, ट्रांसल्यूसेंट। एक इसका एग्जाम्पल है बटर पेपर, इसका उदाहरण आप लिख सकते हो बटर पेपर। बटर पेपर हमारे पास क्या होता है, देखो ध्यान से समझना। बटर पेपर आप लोगों ने वो की होगी कभी, ट्रेसिंग वगैरह की होगी, तो ट्रेस में क्या होता है, उसका छापा ही डालते हैं हम, तो जो छापे के लिए ऊपर कागज सा रखा जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बटर पेपर। ट्रेस पेपर भी कह देते हैं इसको, हम क्या बोलते हैं, बटर पेपर, जो छापे वाला पेज हम रखते हैं, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि नीचे कोई चीज है, तो हम इसके ऊपर ऐसे उसकी बाउंड्री सी बनाते रहते हैं। मान लो कोई भी अपने फोटो ट्रेस करनी है, तो उसकी हम क्या बनाते हैं, बाउंड्री बनाते हैं। हमें सिर्फ ये पता लग रहा है पीछे कोई चीज है, एग्जैक्टली नहीं पता चलेगा क्या चीज है। तो वो हमारे पास कौन सी चीज होती है, ट्रांसल्यूसेंट मटीरियल, ठीक है। एक लास्ट हमारे पास आता है ओपेक। एक लास्ट हमारे पास क्या आता है, ओपेक। ओपेक इससे बिल्कुल अलग है। ओपेक वो होता है जिसके हम आर पार नहीं देख सकते, ठीक है। मान लो मैं अपने सामने एक दीवार खड़ी कर दूं, अगर मैंने अपने सामने दीवार खड़ी कर दी, तो पीछे कौन बैठा है मुझे पता ही नहीं लगेगा कुछ, ठीक है। तो जिसके आर पार हम नहीं देख सकते, जैसे इसका उदाहरण है वॉल, दीवार है, हम दीवार के आर पार किसी को नहीं देख सकते। आप दीवार के एक तरफ खड़े हो, कोई दूसरा दूसरी तरफ खड़ा है, तो ओपेक में तो हम नहीं देख सकते एक दूसरे के आर पार, हमें पता ही नहीं लगेगा दीवार के पार कौन है, ठीक है। ये हमारे पास होता है ओपेक मटीरियल।
तो बेसिकली क्या था, तीन मटेरियल थे, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक। ट्रांसपेरेंट क्या होते हैं, जिनके हम आर पार देख सकते हैं, ट्रांसल्यूसेंट जिसके हम पार देख सकते हैं बट धुंधला, हमें ये पता लगेगा कि सामने कोई है, पूरे तरीके से नहीं हम कह सकते कौन है। और ओपेक क्या होते हैं, जिसके आर पार हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते, ठीक है। वो हमारे पास कौन से मटेरियल होते हैं, ओपेक। ये तो बहुत बेसिक चीजें थी। इसके बाद बात आती है अभी मेन, जो लाइट की प्रॉपर्टी है, मेन चैप्टर आप लोगों का यहाँ से स्टार्ट होता है, तो प्लीज ध्यान से सुनना ये चीजें, ठीक है। बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बात आती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो रिफ्लेक्शन का क्या मतलब होता है, एक सीधी भाषा में बात करते हैं, जब लाइट टकरा के वापस चली जाती है। तो ध्यान से समझना रिफ्लेक्शन क्या होता है। ये हमारे पास कोई एक सरफेस है, ये नीचे से क्या है, पॉलिश्ड है, ये नीचे से हमने इसको क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। पॉलिश का मतलब है कि लाइट यहाँ से आर पार नहीं जा सकती, ये सरफेस कैसा है, पॉलिश्ड है। जो ऊपर वाली इसकी चीज है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, लाइट से पता चल जाता है। लवप्रीत चौहान ठीक है, वुडन वॉल, बस जिसके आर पार आप चीजों को ना देख पाओ, वो आपके ओपेक ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे देखना क्या होता है, यहाँ पे मान लो ये लाइट रे आई है, ये लाइट रे क्या है, आई है, ये लाइट रे इस सरफेस से टकरा के क्या चल जाएगी, वापिस चली जाएगी। ये आपका क्या है, पूरा एक सरफेस है, लाइट रे यहाँ पे आई, यहाँ से टकरा के वो क्या चली गई, वापिस चली गई। वो इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब लाइट रे आई, द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट फॉल्स ऑन अ सरफेस। ये लाइट रे यहां से आई है, ये टकरा के वापस चली गई, ये सिंपल क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा यहाँ पर देखना, जो लाइट रे आई है, मतलब जो लाइट रे गिरी है, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। जो लाइट रे टकरा के वापस चली गई, इसको आप बोलोगे रिफ्लेक्टेड रे, इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ये इंसिडेंट रे है जो लाइट रे गिरी है, दूसरी रिफ्लेक्टेड रे है। राजू कुमार मैम आपकी फर्स्ट क्लास है, हाँ जी मेरी फर्स्ट क्लास है, ठीक है। तो एक चीज और, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में ना एक परपेंडिकुलर बनता है, एक क्या बनता है, परपेंडिकुलर। इस परपेंडिकुलर को बोला जाता है नॉर्मल, परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल, इस परपेंडिकुलर को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल, ठीक है। तो ध्यान से समझना, अब ये हमारी होगी इंसिडेंट रे, ठीक है, ये हमारा सारा हो गया नॉर्मल। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है, इसको हम बोलते हैं एंगल आई, एंगल आई का मतलब है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और यहीं पर सेम चीज है, ये हमारी होगी रिफ्लेक्टेड रे, ये हमारा हो गया नॉर्मल। अभी नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल है, इसको हम बोलते हैं एंगल आर, एंगल आर का मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। एक बार दोबारा देख लो, ये हमारा सरफेस है, जो लाइट रे गिरी है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, जो टकरा के वापस गई है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इनके बीच में आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, उस परपेंडिकुलर को बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है। अभी इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है, वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई। इसके बाद नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये ध्यान रखना, नॉर्मल के इधर भी 90 डिग्री का एंगल होता है और उधर भी, दोनों तरफ हमारे पास किसने कितने कितने एंगल होते हैं, 90 डिग्री के, ठीक है। इसके बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज, देखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे पास क्या होते हैं, बहुत इजी है, जो अभी पीछे पड़ा है वही आप लोगों ने लॉज में लिखना है। सबसे पहला लॉ हमारे पास क्या होता है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, वो क्या होएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होएगा। जैसे ये देखना, ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारा सरफेस हो गया, ये लाइट रे आई, ये टकरा के वापस गई, ये बीच में हमने क्या बना दिया, नॉर्मल। ये हमारा हो गया एंगल आई, ये हमारा हो गया एंगल आर। तो यहाँ पर क्या है, ये एंगल आई और ये एंगल आर, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर मान लो ये 45 डिग्री का है, तो ये भी कितने डिग्री का होएगा, 45 डिग्री का। इस चीज का ध्यान रखना है, एंगल आई और एंगल आर, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे।
और एक लॉ इसमें और क्या होता है, जो इंसिडेंट रे है, जो हमारी इंसिडेंट रे है और हमारी जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, ये एक ही प्लेन पे लाई करते हैं, दे लाई इन सेम प्लेन, दे लाई इन सेम प्लेन। ठीक है, क्या मतलब है इसका? देखो ये हमारा एक सरफेस है, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये हमारा नॉर्मल, तो तीनों सारी चीजें एक ही सरफेस पे हो रही हैं। तो सेकंड लॉ यही कहता है, जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल है, ये एक ही प्लेन पे क्या करते हैं, लाई करते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इंपॉर्टेंट है एंगल आई और एंगल आर बराबर होंगे और ये तीनों एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। ठीक है, मैं आपको इसी पे दो तीन क्वेश्चंस देती हूँ, मेरे को आंसर बताना आपने उसका। देखो नोट डाउन कर लेना क्वेश्चंस। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सिंपल है, ये आपका एक सरफेस है, ये हमारा क्या है, एक सरफेस है, ये आपकी इंसिडेंट रे होगी, ये हमारी होगी रिफ्लेक्टेड रे, और ये बीच में हो गया ये हमारा नॉर्मल। इसमें आपको ये एंगल दे रखा है 35 डिग्री का, ये एंगल कितने का दे रखा है, 35 डिग्री का। आपने मुझे एक तो बताना है कि एक्स कितना होएगा और एक आपने मुझे ये बताना है ये वाई कितना होएगा। फाइंड एक्स एंड वाई, सॉल्व करें और मेरे को आंसर बताएं आप लोग कमेंट में। फाइंड एक्स एंड वाई, ऑप्शंस दे देती हूँ आपको। पचपन पचपन डिग्री या फिर दोनों ही 35 डिग्री के, या फिर पहला 35 और दूसरा 55, या फिर पहला 55 और दूसरा 35। आंसर बताइए जल्दी, एक्स और वाई की वैल्यूज क्या होंगी। क्या आएगा इसका, ए आएगा? कमेंट में मेरे को आंसर बताओ आप लोग, आंसर फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ, क्या आएगा? अनु वन, ठीक है, लवप्रीत, एक्स 55 आ गया, वाई कितना आएगा? ठीक है वन, सुनीता सामा, ठीक है फर्स्ट ऑप्शन, वाई भी 55, लवप्रीत चौहान, ठीक है बिल्कुल आपका, संजू रानी वन, ठीक है, बाकी बाकी आप लोग भी कमेंट करके बताओ कितना आ रहा है आप लोगों का आंसर। देखो जिनका नहीं हुआ, जिन्होंने फर्स्ट ऑप्शन बोला बिल्कुल ठीक है, एक्स भी इसमें क्या आएगा, 55 आएगा, और वाई भी कैसे आएगा, 55 आएगा। अभी रीजन देखना 55 दोनों कैसे हैं। देखो ये हमारा बीच में क्या है, नॉर्मल है, मैंने आपको अभी एक चीज बताई थी, नॉर्मल के इधर भी 90 डिग्री का एंगल होता है, नॉर्मल के इधर भी कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का। अभी देखना ये पूरा 90 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 35 प्लस x किसके बराबर आ गया, 90 के बराबर आ गया, तो x की वैल्यू क्या होगी, 90 में से 35 को घटा दो 55 डिग्री, 90 में से 35 को घटा दो कितना आ जाएगा, एक्स की वैल्यू हमारे पास 55 डिग्री। ठीक है, ये तो आ गई एक्स की वैल्यू, अभी बात आती है वाई की। सेम जैसे एक्स निकालना है वैसे वाई निकालना है। देखो ये जो 55 है ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, अगर ये सॉरी 35 है, जो अगर ये 35 है ये भी कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई और एंगल आर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, बस सेम चीज यहाँ है, ये भी कितने का हो जाएगा, पूरा 90 का हो जाएगा, तो वही चीज है, 35 प्लस y किसके बराबर आ गया, 90 के। y की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 90 में से 35 घटा दो, y की वैल्यू भी कितनी आ गई हमारे पास, 55 डिग्री। समझ आ गई बात इतनी, सुमन जयपाल, ठीक है 55 जिनका भी आ रहा है।
तो देखो कुछ नहीं है, बस इसमें लॉस लग रहे हैं, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है सुमन जयपल ए, चलो अभी इसी के जैसा ये क्वेश्चन और करो आप लोग। ये वही आपका, ये सरफेस हो गया, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये हमारा हो गया नॉर्मल। ये एंगल आपको दे रखा है 40 डिग्री। आपको इसमें मुझे एक्स बताना है, वाई बताना है और जेड बताना है। फाइंड एक्स वाई एंड जेड, ये 40 है। फाइंड एक्स वाई जेड, फटाफट बताओ कमेंट्स में कितना आ रहा है, एक्स वाई और जेड की कितनी कितनी वैल्यू आ रही है। एक्स वाई और जेड कितना कितना आ रहा है जल्दी से बताओ। बताओ जल्दी से कितना कितना आंसर आ रहा है, एक्स वाई और जेड की कितनी कितनी वैल्यूज आ रही हैं, बिना ऑप्शन के बता दो। चलो ऑप्शन दे देती हूँ मैं आप लोगों को। पचास, पचास, 40, 50, 40, 40, 40, 50, 40, या फिर तीनों ही 40। बताओ ऑप्शन बताओ, ए बी सी या डी। ठीक है लवप्रीत चौहान, एक्स 50 आ रहा है, वाई 50 आ रहा है, ठीक है। सुनीता सामा ए, अनु ए, ठीक है आप लोगों का। और बाकी कैसे आ रहा है, इसका रीजन भी पता होना चाहिए। सीधे सीधे क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं, बहुत इजी है, एक लॉजिक लग रहा है बस इसमें। संजू रानी ए, ठीक है। और बाकी चलो देखो, बाकी अभी देखना वही एक चीज है जो नॉर्मल है, नॉर्मल की इधर कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, तो वही है एक्स प्लस 40 किसके बराबर दे रखे है, 90 के। तो एक्स हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 40 उधर घटा दो, 90 माइनस 40, तो एक्स का मान कितना आ गया हमारे पास, 50। एक्स कितना आ गया हमारे पास, 50, राजू कुमार ए, ठीक है। तो एक्स हमारे पास कितना आ गया, 50। अभी हमने लॉस पढ़े हैं रिफ्लेक्शन के, जितना एंगल आई है उतना हमारे पास क्या होएगा, एंगल आर। तो एक्स वाई भी हमारे पास कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। जितना एक्स है उतना ही हमारे पास क्या होएगा, वाई। तो वाई भी कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। प्रियंका सुमन ठीक है आप लोगों का। अभी देखना इधर 90 है तो ये भी कितना होएगा, 90 होएगा। फिर वही चीज, 50 प्लस जेड किसके बराबर आ गया, 90 के। तो जेड की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, 90 माइनस 50, तो जेड हमारे पास कितना हो गया, 40। ठीक है, वाई भी यहाँ से कितना आ जाएगा, 50। प्रियंका ठीक है आपका भी। तो ऑप्शन नंबर ए, एक्स 50, वाई 50 और जेड कितना आ गया, 40। समझ आ गए कैसे करने हैं, बहुत इजी इजी क्वेश्चंस थे। ठीक है, जिनका भी ए आया है गुड। इसके बाद आगे देखो, थोड़ा सा दो तीन चीजें मैं आपको और बता देती हूँ।
देखो कल हम करेंगे प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज करेंगे, प्लेन मिरर की चार पांच प्रॉपर्टीज है, उसके न्यूमेरिकल्स है, बहुत अच्छे से करना है। उससे पहले आप लोगों को दो चीजें पता होनी चाहिए। एक हमारे पास होती है इमेज, हमारे पास दो तरह की होती है, एक हमारे पास होती है रियल इमेज और एक हमारे पास होती है वर्चुअल इमेज। एक हमारे पास है रियल इमेज, सुमन पता है, अच्छी बात है, सुन लो। एक हमारे पास होती है रियल इमेज और एक हमारे पास है वर्चुअल इमेज। देखो रियल और वर्चुअल में क्या फर्क है, अब इनका मतलब निकालो। रियल का मतलब होता है वास्तविक, रियल का क्या मतलब होता है, वास्तविक, जो चीज एक्चुअल में होती है। और वर्चुअल का मतलब क्या होता है, जो वास्तविक नहीं है। वर्चुअल का क्या मतलब होता है, जो चीज वास्तविक में नहीं है। ठीक है, तो यहीं से आपकी डेफिनेशन बनेगी। रियल इमेज क्या होती है, जो वास्तविक में बनती है, जिसको हम स्क्रीन पर बना सकते हैं। अब स्क्रीन क्या होती है, ये जब आगे रे डायग्राम्स करेंगे आपको उसमें ज्यादा समझ आएगा। जिसको हम स्क्रीन पर बना सकते हैं, जिसको हम स्क्रीन पर बना सकते हैं, ठीक है, ये हमारे पास होती है रियल इमेज। वर्चुअल इमेज हमारे पास क्या होती है, जिसको हम स्क्रीन पर नहीं बना सकते, जिसको हम स्क्रीन पर नहीं बना सकते। ठीक है, और एक चीज और, जो रियल इमेज होती है ये हमेशा होती है इन्वर्टेड। जो रियल इमेज होती है ये हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टी। जो आपकी रियल इमेज बनेगी वो हमेशा कैसी बनेगी, उल्टी, इन्वर्टेड बनेगी। और जो वर्चुअल इमेज है ये हमेशा बनती है इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है सीधी। जो वर्चुअल इमेज है ये हमेशा कैसी बनती है, सीधी। रियल के साथ हमेशा जो वर्ड आता है इन्वर्टेड, वर्चुअल के साथ जो चीज आती है वो होती है इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब सीधी। ठीक है, इसके बाद एक चीज और देखना, मैं आपको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली बता देती हूँ। ये मिरर आपको कल करवाऊंगी, एक बार समझ लेना। जैसे मान लो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसकी जो इमेज है वो ऐसे बनेगी, ये तो अगर उल्टी बन रही है, ये हमारे पास कैसी इमेज होती है, रियल और इन्वर्टेड। रियल का मतलब है ये एक्चुअल में बनेगी, इन्वर्टेड का मतलब ऑब्जेक्ट सीधा है, ये कैसी बन रही है हमारे पास, उल्टी बन रही है। और वर्चुअल का क्या मतलब होता है देखना, ये हमारे पास है ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये कहीं पीछे बनेगी जाके, ये आपकी बनती होती है पीछे। जो रियल इमेज है ये हमेशा मिरर के आगे बनती होती है। रियल इमेज हमेशा मिरर के कहाँ बनती है, आगे। और जो वर्चुअल इमेज है वो हमेशा बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर का मतलब होता है मिरर के पीछे बनती होती है। ठीक है, तो इसके बेस पे हमारे पास क्या होते हैं, दो तरह के मिरर्स होते हैं। एक हमारे पास होता है कनकेव मिरर और एक हमारे पास होता है कन्वेक्स मिरर। अभी इनके बारे में ज्यादा नहीं करना। कनकेव मिरर जो इमेज बनाता है वो बनाता है रियल और इन्वर्टेड। वो कैसी बनाता है, रियल और इन्वर्टेड। और जो कन्वेक्स मिरर होता है ये हमेशा बनाता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसकी जो इमेज बनती है वो हमेशा कैसी होती है, वर्चुअल और इरेक्ट। क्या मतलब है कि कनकेव मिरर में जो इमेज है वो वास्तविक में बनेगी, और जो कन्वेक्स मिरर है वहां पे वास्तविक में नहीं बनती, हम उसको मिलवाते हैं। ठीक है, तो ये कैसे होता है, क्या होता है, ये आपको रे डायग्राम से क्लियर होएगा, ये हम करेंगे कल। चलो ठीक है, सबको बाय। आज की क्लास यहीं पे खत्म है, कल मिलते हैं 5:15 पे नए टॉपिक के साथ।